घमंड न करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को लाभ है, विवाद छोड़ दो तो संबंधों को लाभ है, और अगर व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो पूरे जीवन को लाभ है। लक्ष्य सही होना चाहिए, काम तो दीमक भी दिन रात करती है, पर वो निर्माण नहीं विनाश करती है। मरी हुई मछली धार के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली धार के विपरीत तैरती है। अगर आप भी जीवित हैं तो गलत का विरोध करना सीखे। पैसे के पास जीवान नहीं होता, पर वो बोलता बहुत कुछ है। अपनी तुलना दूसरों से ना करें, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग होता है। सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर ही जाएंगे, एक ना एक दिन हंसी उड़ाने वालों के चेहरे भी उतर जाएंगे। कुदरत ने सबको हीरा बनाया है, जो जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाए, अपनी औकात नहीं। मौसम से सीखा है मैंने, वक्त पर बदलना जरूरी है। सफल होने के लिए आपको अपने काम से प्यार करना पड़ेगा। महल हो या झोपड़ी, अपना घर अपना ही होता है। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। बोतलें बेचने वाले बंगले खरीद लेते हैं और बोतल खरीदने वालों के घर तक बिक जाते हैं। आग अपने ही लगाते हैं जिंदगी को भी और लाश को भी। ज़्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते, और कुछ कर दिखाने वाले ज़्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते। मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर, देखना भी छोड़ देते हैं। इसीलिए अपेक्षा सिर्फ खुद से रखिए। कुछ सपने पूरे करने हैं, कुछ मंजिलों से मिलना है। अभी सफर शुरू हुआ है, मुझे बहुत दूर तक चलना है। जिंदगी में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं, अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में, जिनके हुनर बोलते हैं। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। बातों की मिठास कभी अंदर का भेद नहीं खोलती, मोर को देखकर कौन कह सकता है ये सांप खाता होगा। दर्द तब होती है जब खुद को ठोकर लगती है, वरना दूसरों को सिर्फ लहू ही नजर आती है। कभी कभी हम अनजाने में वक्त पर पांव रख देते हैं, इसीलिए जिंदगी मुंह के बल गिर जाती है। लोग कहते हैं जिंदगी मिली है अपने हिसाब से जीने के लिए, लेकिन वही लोग सुबह होते ही किसी और के हिसाब से जीने चले जाते हैं। जो हासिल नहीं होती है बस वही याद रह जाती है, बाकी देती तो बहुत कुछ है जिंदगी। मैंने हिसाब में रहने वाले लोगों को बेहिसाब होते देखा है, मैंने लोगों को बदलते नहीं बेनकाब होते देखा है। जीवन का एक सत्य, मनुष्यों को अपनी झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना तो पसंद है, पर अपनी सच्ची आलोचना सुनकर संभलना नहीं। लोग अक्सर कहते हैं कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर लोग सच में साथ होते तो आपको कभी संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि तिरस्कार अपनों से ही बार बार मिले, तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो इंसान आपके महत्व को नहीं समझ पाया, वो आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। पेड़ चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, उसमें फल तभी लगता है जब वो मिट्टी से जुड़ा होता है। सच्चाई से बड़ा कोई फल नहीं होता है, और झूठ कितना भी बोल लो उसका कभी कल नहीं होता। सत्य बोलोगे तो कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। किस्मत आप साथ लेकर आते हो और कर्म आप साथ लेकर जाते हो, यही जिंदगी है। अगर हारने के बाद भी आप में कुछ कर गुजरने की हिम्मत है तो समझ लीजिए आप हारे नहीं है। चेहरा तो वक्त के साथ साथ बदलता रहता है, आपके कर्म ही आपका आईना होते हैं। दूसरों की गलतियों पर अपने गुनाहों को याद कर लेना, ये आदत हमें इंसान बनाए रखती है। जब आप सोच लेते हो कि आप कर सकते हो तो आप आधा रास्ता तय कर लेते हैं। नई शुरुआत के लिए हर दिन एक बेहतरीन दिन होता है।
सबसे बड़ी समस्या हमारा दिमाग ही होता है, उन बातों को भी पकड़ कर रखता है जो बेवजह होती है। चाहे आप कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों न हो, तजुर्बा आपको बेवकूफ बनने के बाद ही मिलता है। वो नज़र सबसे अच्छी होती है जो खुद की कमियों को देख सकती हो। हार न मानने की आदत डाल लो, जीत की आदत खुद ब खुद बन जाएगी। प्रत्येक दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और शुक्रगुजार के साथ करो। अगर आपके सर पर बुजुर्गों का हाथ है तो आप सदैव कामयाब होते रहेंगे। फल की इच्छा किए बिना कर्म करते रहिए, क्योंकि जो फूल बेचते हैं उनके हाथों में अक्सर महक रह जाती है। इंसान अपने चेहरे से कम, अपनी वाणी विचारों और कर्मों से ज़्यादा पहचाना जाता है। वक्त जब फैसले करता है तो कभी गलत नहीं करता है, बस वक्त लगता है। मेहनत से सफलता मिलती है और आलस्य से हार, कड़वे से कष्ट, मीठे से संसार। अगर आप आशावादी हो तो आप उलझे राहों में भी अपनी मंजिल तलाश लोगे। अगर आपका आज मुश्किलों से भरा हुआ है तो समझ लो भगवान तुम्हारे आने वाले कल को मजबूत बनाना चाहते हैं।